नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 5 के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए भाइयों शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 5 जिसका नाम है ब्राइट रेड ब्लेड। एपिसोड की शुरुआत में हम मुइचिरो को कोटेत्सु को अपने कंधे पर लेकर दौड़ते हुए देखते हैं। फिर वह उससे पूछता है कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं। तब कोटेत्सु हां में उत्तर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डेमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कनामोरी पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। तब मुइचिरो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और उस राक्षस का मटका तोड़ देता है, जिससे कि डेमन धूल बनकर उड़ जाता है। कनामोरी और कोटेत्सु एक दूसरे को जीवित देखकर खुश हो जाते हैं और कोटेत्सु मुइचिरो को बताता है कि यह कनामोरी है, जिस पर मुइचिरो कनामोरी से पूछता है कि क्या उसकी नई तलवार तैयार है। कनामोरी को फिर मुइचिरो की तलवार दिखाई देती है, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल मुइचिरो जिस तलवार की बात कर रहे थे वह वही तलवार थी जो मुइचिरो ने तंजीरो पर फेंकी थी, और तंजीरो ने वह तलवार मरम्मत के लिए दे दी और कहा कि उन्हें मुइचिरो को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर मुइचिरो आश्चर्यचकित हो गया और फिर कोटेत्सु कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, राक्षसों ने हगनेजुका पर भी हमला किया है। फिर तीनों कनामोरी के वर्कशेड की ओर जाने लगते हैं और कुछ देर में वे वर्कशेड पर पहुंच जाते हैं, जिस पर कनामोरी कहता है इसके अंदर मुइचिरो की तलवार रखी हुई है, उसे तलवार लेनी होगी और विलेज चीफ को बचाने जाना होगा। लेकिन मुइचिरो ने मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद मुइचिरो कनामोरी को पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास एक डेमन है। तभी झाड़ियों से एक मटका लुढ़कता हुआ बाहर आता है और उस बर्तन से आवाज आती है कि तुमने मुझे देख लिया, और तभी ग्योको बर्तन से बाहर आ जाता है, जो कि अपर मून 5 डेमन है। ग्योको हंसते हुए कहता है कि तुम्हें हाशिरा होना चाहिए, क्या ये वर्कशेड आपके लिए खास है। उधर गांव पर फिश डेमन ने आक्रमण कर दिया था और कुछ स्वर्ड्स मिथ सॉर्ड्स और विलेज चीफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये डीमंस बहुत शक्तिशाली थे, उनके नाखून बहुत तेज थे। स्वर्ड्स मिथ्स लगभग मरने वाले थे, लेकिन फिर हम मित्सुरी को देखते हैं जो एक दानव मटके को काट कर हवा में उड़ जाती है और कहती है कि देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, और वह राक्षसों को मारना शुरू कर देती है और लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह बेहद मासूम और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी है, क्योंकि लोग उनकी खूबसूरती देखकर उनके दीवाने हो जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि वह हाशिरा है। इसके बाद कुछ लोग उनसे कहते हैं कि विलेज चीफ को बचा लो, और मित्सुरी भी उस दिशा में चली जाती है। यहाँ एक बड़े फिश डेमन ने विलेज चीफ टैचिन पर हमला किया और राक्षस विलेज चीफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और एक व्यक्ति चीफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिश डेमन उसे दूर फेंक देता है, और व्यक्ति ने देखा कि यह राक्षस अन्य राक्षसों की तुलना में अधिक बड़ा और तेज है, और जितने लोग चीफ की सुरक्षा के लिए रखे गए थे मारे गए हैं, और उसे किसी भी कीमत पर चीफ को बचाना होगा। फिर मित्सुरी की एंट्री होती है। यह आदमी देखता है कि मित्सुरी की तलवार अन्य तलवारों की तरह नहीं है, ये तलवार चाबुक की तरह है, क्योंकि इस तलवार को चीफ टैचिन ने स्वयं बनाया था, और डेमन मित्सुरी को देखकर जोर से दहाड़ता है। मित्सुरी ने उस पर अपने लव ब्रीदिंग स्टाइल के फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव के साथ हमला किया। मित्सुरी उस डेमन के चारों मटकों को एक झटके में काट देता है ताकि डेमन मर जाए और धूल में मिल जाए, और टैचिन डेमन की पकड़ से नीचे गिरने लगता है। फिर मित्सुरी कूदती है और टैचिन को पकड़ लेती है और पूछती है, वो ठीक है? तब टैचिन कहता है कि वह इतनी खूबसूरत लड़की के हाथों में है, क्या उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तभी एक आदमी कहता है कि वह भी सिर के बल गिरा था, क्या मित्सुरी भी उसका हाथ पकड़ सकता है। तब टैचिन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वहीं दूसरी ओर तंजीरो को एक अजीब सी गंध आने लगती है। जब उसे होश आता है वह पाता है कि नेजुको उसे उठा के दौड़ रही है। तभी सेकिडो उन पर अपनी छड़ी से हमला करता है, जिससे बिजली निकलती है। नेजुको उस बिजली से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे बिजली का झटका लग जाता है, और फिर तंजीरो नेजुको को उठाकर दौड़ना शुरू कर देता है।
तंजीरो रोगी को उस पर हमला करने के लिए आते देखता है। फिर वह तेजी से दौड़ने लगता है, जिस पर सेकिडो को बहुत गुस्सा आता है और वह काराकू से कहता है कि वह इन दोनों को जल्द मार डाले। फिर काराकू तंजीरो पर पंखे से हमला करता है, लेकिन तंजीरो उससे बच जाता है। लेकिन उसके बाद काराकू तंजीरो पर बहुत शक्तिशाली हमला करता है, जिससे पूरी इमारत नष्ट हो जाती है और तंजीरो भी इसकी चपेट में आ जाता है और वे दोनों उड़ जाते हैं और दूर गिर जाते हैं। लेकिन गिरने से पहले नेजुको तंजीरो की तलवार पकड़ लेती है और वे दोनों दूर गिर जाते हैं। इसके बाद तीनों राक्षस बिल्डिंग के मलबे में उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और हम देखते हैं कि नेजुको एक विशाल मलबे के नीचे दब गई है, लेकिन वह अभी भी तंजीरो की तलवार पकड़े हुए है। तंजीरो नेजुको से अपनी तलवार छोड़ने के लिए कहा ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन नेजुको ने उसकी तलवार को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया, जिसके कारण नेजुको का खून बहने लगता है। तंजीरो देखता है कि राक्षस उसे ढूंढते हुए इस ओर आ रहे हैं, लेकिन नेजुको ने फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। फिर हम दूसरी तरफ ग्योको को देखते हैं, जो अपना परिचय देता है और कहता है वह उन्हें मारने से पहले उन्हें अपनी एक कलाकृति दिखाना चाहता है। फिर वह ताली बजाता है और दूसरा बर्तन पेश करता है, वह बर्तन जिसमें से 5 स्वॉर्ड्समिथ्स की मुनी हुई लाशें निकलती हैं और उन लाशों में तलवारें भी घुसाई जाती हैं। कनामोरी और कोटेत्सु ये देखकर भयभीत हो जाते हैं और बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे इन पांचों को जानते थे और उनमें से एक कनामोरी के चाचा थे। तब ग्योको गर्व से कहता है कि जब ये तलवार है घुमाई जाती है तो वे जोर से चिल्लाते हैं। ये देखकर मुइचिरो को बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर कोटेत्सु रोने लगता है और मुइचिरो अपनी तलवार से ग्योको पर हमला करता है और उसकी गर्दन काटने चला जाता है, लेकिन ग्योको वहां से गायब हो जाता है और दूसरे मटके से निकलता है जो छत पर रखा हुआ था। मुइचिरो समझ जाता है कि ग्योको एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी ग्योको मटके से बाहर आता है और गुस्से से कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुइचिरो ने उस पर एक और हमला किया, लेकिन केवल मटके काटने में ही सफल होता है। ग्योको वहां से भी गायब हो जाता है और नीचे जमीन पर रखे एक तीसरे मटके से निकल रहा था, लेकिन मुइचिरो ने नोटिस किया कि ग्योको हैंटेंगू की तरह अपनी गर्दन कटवाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्योको की गर्दन काटकर उसे मारा जा सकता है। इसके बाद ग्योको को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने हाथ में दूसरा मटका निकाल लेता है। मटके से 2 सुनहरी मछलियां निकलती हैं और दोनों सुनहरी मछलियां बहुत सारी तेज सुइयों से मुइचिरो पर हमला करती हैं, लेकिन मुइचिरो उनसे बच निकलता है। ये देखकर कोटेत्सु जोर जोर से चिल्लाता है, जिस पर वह सुनहरी मछली उन दोनों पर भी हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले मुइचिरो उनके सामने आ जाता है और सभी सुइयां मुइचिरो के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिस पर मुइचिरो उन्हें बताता है कि वे दोनों यहां से चले जाओ और कहीं छिप जाओ। और ग्योको मुइचिरो को देखकर बहुत खुश होता है और ग्योको मुइचिरो को बताता है कि इन सुइयों का जहर जल्द ही असर दिखाएगा और उसका सारा शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। तब ग्योको मुइचिरो का अपमान करता है और ऐसा कहता है, तुम इन दोनों की बेकार जिंदगी को बचाने के लिए अपनी कीमती जान खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर मुइचिरो को कई साल पहले की बात याद आती है, किसी ने उससे भी यही कहा था कि उसकी जान कीमती नहीं है। फिर उसके पास एक फ्लैशबैक आता है जिसमें गर्मी का मौसम था और बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खुला रखा हुआ था। तब ग्योको कहता है कि वह इस हाशिरा को मार डालेगा और इसकी एक कलाकृति भी बनाएगा। ये सुनकर मुइचिरो क्रोधित हो जाता है और उसकी गर्दन काटने चला जाता है। तभी ग्योको अपने हाथ में एक नया बर्तन निकालता है, लेकिन उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। और फिर ग्योको ब्लड डेमन आर्ट का उपयोग करता है, उस पर ब्लड प्रिजन का इस्तेमाल करता है और मुइचिरो को पानी में फंसा देता है। ग्योको फिर कहता है कि मुइचिरो जल्द ही दम घुटने से मर जाएगा। मुइचिरो अपनी तलवार से पानी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब ग्योको उस पर हंसता है और उसे यह बताता है उसने एक डेमन स्लेयर की सबसे बड़ी शक्ति को अवरुद्ध कर दिया है, जो उसकी ब्रीदिंग है। ग्योको मुइचिरो को बताता है कि उसके मरने के बाद वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा ताकि डेमन स्लेयर्स के पास लड़ने के लिए तलवारें न रहें और वह घुटनों पर आ जाएंगे।
उसके बाद हम मास्टर कागया का भी सिर काट देंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तंजीरो की तलवार पूरी तरह से नेजुको के खून से सनी हुई थी। लेकिन तंजीरो को समझ नहीं आया कि नेजुको क्या कर रही थी। तब नेजुको अपने ब्लड डेमन आर्ट का उपयोग करती है, जिससे तंजीरो की पूरी तलवार आग की लपटों में घिर जाती है। तंजीरो देखता है कि उसकी तलवार गर्मी के कारण लाल हो गई है। और फिर तंजीरो को एक महिला की आवाज सुनाई देती है। लड़ाई के बीच में ही उस योद्धा की तलवार लाल हो जाती थी। कितना अजीब है, हालांकि तलवार का रंग काला है। तब तंजीरो को आश्चर्य होता है कि यह महिला कौन है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने पूर्वजों की यादें फिर से दिख रही होंगी। और वह महिला जिस योद्धा की बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि ओरिची है, जो तंजीरो की तरह इयररिंग्स पहनता है। और लड़ाई के दौरान योरिची की तलवार भी लाल हो जाती होगी, जैसा कि अभी हुआ है। लेकिन उसकी तलवार नेजुको के खून से लाल हो गई है। उसके बाद तंजीरो सोचता है कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अभी भी इंसान है। उसे अब भी कई लोगों ने जीवित रखा है और उसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य मानव की सुरक्षा और डीमंस का अंत है। फिर तंजीरो अपनी तलवार लेता है और उन तीन राक्षसों के सामने चला जाता है। काराकू उसे देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन उरोगी ने कहा कि कुछ नहीं होगा और वह उसे मारने जाता है। लेकिन सेकिडो ने नोटिस किया कि तंजीरो की तलवार लाल है, क्योंकि सभी किजुकी के अंदर मुजान का खून है। तब सेकिडो को मुजान की मेमोरीज ट्रिगर करने लगती है और वह देखता है कि उसकी तलवार बिल्कुल वैसी ही है, उस समुराई की तरह जिसने लगभग सभी डीमंस के किंग लॉर्ड मुजान को लगभग मार ही डाला था। अब तंजीरो का मार्ग बदल जाता है और सीजन 2 की तरह आगे आ जाता है। और वह हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता है और फिर उसके पीछे हमें योरिची की छवि दिखाई देती है। ये देखकर सेकिडो और उरोगी बहुत डर जाते हैं। उरोगी की गर्दन काटने के लिए तंजीरो हिनोकामी कागुरा का उपयोग करता है और अगले ही पल काराकू और सेकिडो की गर्दन भी काट देता है। और इस ब्रीदिंग स्टाइल टेक्निक का नाम वह ड्रैगन सन हेलो हेड डांस कहता है। और तीनों डीमंस का शरीर निर्जीव होकर गिर जाता है। तंजीरो को तब याद आता है जब उसने ग्यूटारो का सिर काट दिया था, उस समय भी उसकी शक्तियां बढ़ गई थी और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया था, मानो उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। तंजीरो तब सोचता है कि अगर वह एक ही समय में उन चारों का सिर काट दे तो वे मर जाएंगे, इसलिए वह चौथे राक्षस की तलाश शुरू कर देता है। तंजीरो दूर जंगल में देखता है कि जेन्या ने एजेत्सु का भाला एजेत्सु में डाल दिया है और एजेत्सु की कटी हुई गर्दन जेन्या के हाथ में है। ये देखकर तंजीरो खुश हो जाती है और जेन्या को बुलाता है। और जब जेन्या पीछे मुड़ता है, हम देख रहे हैं कि जेन्या बेहद खूंखार दिख रहा है। उसके दांत लंबे हो गए थे और उसकी आंखें भी बहुत खतरनाक लग रही थीं। वह बिल्कुल डेमन जैसा लग रहा था। ये देखकर तंजीरो चौंक जाता है। और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। जेन्या के साथ क्या हुआ और मिचिरो के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको यह एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।